सो हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कॉलेज के टॉप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या फिर आईटी है तो आपके लिए ये आइडियाज बेस्ट हो सकता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपके प्रोजेक्ट का टाइम आता है वो माइनर हो सकता है, वो मेजर हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके नीड या आपके रिक्वायरमेंट पर। उस समय में क्या होता है, जब आप गूगल करते हो, यूट्यूब करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, पर उसमें से सबसे बेस्ट क्या है, कौन सा आपके लिए हो सकता है, ये आप आइडिया नहीं लगा पाते हो। तो उसी के लिए मैंने ये बनाया है। वैसे मेरा एक और वीडियो है, आई बटन पर आपको लिंक भी दिख रहा है, अब इसमें भी आपको टॉप 10 प्रोजेक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में 15 ऐसे आइडियाज आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि आप आसानी से उसमें एक या दो तो चूज कर सकते हो, जिसमें यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा चूज करने हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आइडिया बताऊंगा और उसके ये भी बता देता हूँ पहले ही कि उसके बारे में अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए ना, तो पहले वो आइडिया ले लो और उसको गूगल पे सर्च करिए, और गूगल पे उसके कोड्स कहाँ अवेलेबल होगा, Kaggle.com, GitHub, ऐसे ऐसे जगह पर उसके कोड्स अवेलेबल हैं। और उससे भी ज्यादा आपको अगर उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए और बोलिए कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स चाहिए या फिर कहाँ पे मिलेगा इसका सोर्स कोड, तो मैं सोर्स कोड भी आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले जो आपके लिए प्रोजेक्ट हो सकता है वो है ऑटोमेटेड कैंटीन ऑर्डरिंग सिस्टम। अच्छा, कैंटीन में खाना ऑर्डर करने का या फिर जो भी फूड अपन खाते हैं ऑर्डर करने के तरीकाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं क्या? गए, उनका एक वेबसाइट है मान लीजिए सपोज दैट, और उनकी वेबसाइट से आपने ऑर्डर करी और उन तक ऑर्डर पहुंचा, आप टेबल पर बैठे हो। कैंटीन का तरीका अलग होता है, कैंटीन इज नॉट अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट टाइप के नहीं होता, कैंटीन अलग होता है। तो आप कैंटीन में ऑर्डर कैसे करें अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसमें आप इन्हेंस कर सकते हो और ऑनलाइन इसके हो सकता है सोर्स कोड आपको मिल जाए, तो आप ये चीज बना सकते हो ऑटोमेटेड कैंटीन जो ऑटोमेटिक काम करे, ठीक है, आपके ऑर्डर ले, आपका ऑर्डर सर्व करे। जैसे आपने देखा होगा ना एटीएम जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से आपका कैंटीन का ऑर्डर काम कर सकता है। नेक्स्ट, क्लाउड बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, मतलब अब उसको डेटाबेस में नहीं रखना है, सारा का सारा चीज आपको क्लाउड पे रखने हैं। जैसे कि आपने ये चीज देखा होगा कि फेस डिटेक्शन वाला है तो होता है, बहुत से लोगों ने क्या किया है, फेस को डिटेक्ट करके उसका अटेंडेंस बनाया है। आप उस अटेंडेंस को सेव करने के लिए क्लाउड का यूज कर सकते हो, और सारा का सारा चीज क्लाउड पे हो, और उसमें आप थोड़ा सा ऑटोमेशन लगा दोगे, कौन प्रेजेंट था, कौन एबसेंट था, क्या हुई, किसकी अटेंडेंस कब बनी, कब किसका कितना, हर चीज एक मैनेज होता रहे, उनको प्रॉपर ऑडिट मिलता रहे। नेक्स्ट आपके लिए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम विथ डेटा माइनिंग। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग का एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा आइडिया होनी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ये चीज कर रहे हो ना, कॉलेज में सबमिट करने हैं, मार्क्स मिलेंगे और फिर आपको आगे बढ़ना है, जॉब प्लेसमेंट की भी तो तैयारी करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल ना इस तरीके से कर सकते हो कि ऑनलाइन इसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ, मैंने पहले ही बताया था Kaggle.com या GitHub पर इनके सोर्स कोड अवेलेबल है। आप अपना जब ग्रुप बनाओगे ना, तो जिसको भी उसमें से वेब डेवलपमेंट आती होगी वो वेब का काम करेंगे, और एक या दो लोग मिलके आप इसका रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा API यूज करना है, कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करना है, और आप अपने वेबसाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो और काफी अच्छा वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट जो आपके लिए है वो है ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट मतलब बायजूस का एप्लीकेशन आपने देखा, बायजूस का एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो उसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट, और उस कोर्सेज को एक्सेस करने का एक सर्टेन तरीका है, तो आप ये ऐसा नहीं इजी है, बहुत मतलब एक क्रिटिकल होता है, थोड़ा क्रिएटिव होता है, तो आप चाहें तो एक ऐसा वेबसाइट रेडी कर सकते हो जहाँ पर ऑनलाइन कोर्स का मैनेज मतलब ऑनलाइन कोर्स हो, वहाँ पर सारे कोर्सेज हो, टीचर्स हो, उसकी कैटेगरीज हो, कौन से वीडियोज या कौन से उसमें वीडियोज हो, उसके साथ साथ उनका थंबनेल हो, उनके साथ साथ उनका पेपर हो, पेपर इन द सेंस सबटाइटल हो, डॉक्यूमेंट हो, अगर किसी को होमवर्क देने हैं तो होमवर्क दें, अगर किसी को असाइनमेंट देने हैं, चेक करने हैं कौन कौन से असाइनमेंट हो चुका है, किनका किनका असाइनमेंट हो चुका है, कौन से टीचर का कितने लोगों ने असाइनमेंट करी है, ये सारा उसमें डिटेल्स हो, इन्फॉर्मेशन हो, और हर एक चीज का अपना अपना तरीका हो, इस पर अगर और सोचोगे तो इसको और एनहेंस कर सकते हो, ये पार्टिकुलर मैंने खुद सोचा था। फिर बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट, वो है जिम मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। जिम मैनेजमेंट मतलब जिम का एक एक चीज मैनेज करना, जैसे जिम में किसके मतलब
फी जमा हुआ, किसका नहीं जमा हुआ, कौन कब आ रहा है, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटेड। तो जिम में क्या सामान है, जिम में कौन कल कितने बजे तक आया था, उसकी फीस कितनी है, जमा है या भी नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किनका बॉडी मतलब सही है, किनकी कंप्लेन है, आगे कंप्लेंस रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट है आपके लिए। वैसे तो जिम के सारे चीज मैनेज करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए ना तो आप गूगल भी कर सकते हो, इनके सोर्स कोड हो सकता है अवेलेबल हो, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी है। नेक्स्ट जो आपके लिए हो सकता है वो है टाइम मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट्स, मतलब फॉर प्रोजेक्ट्स मतलब कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, कॉलेज में ऐसे ऐसे काफी सारे असाइनमेंट्स होते हैं, राइट। तो टाइम को मैनेज करने, ये मत सोचना कि टाइम मैनेजमेंट सिस्टम मतलब टाइम लाइफ की टाइम को मैनेज करना, दैट्स डिफरेंट, वो अलार्म नहीं है ये। टाइम मैनेज मतलब जैसे कॉलेज में आपने देखा होगा कि जब आपके चीजें जमा होती है वो उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते, ऑडिट नहीं कर पाते, या फिर पढ़ाई लिखाई जो भी चीजें हैं उनमें टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो उसके लिए कि क्या कर सकते हो आप। आपको इसमें पूरी सोचनी है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करवा सकते हो, जैसे कि मान लो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो एक हम क्या एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं जो एप्लीकेशन उसको बताएगा कि भैया आपका टाइम यहाँ जा रहा है, आप टाइम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो आप इसके बारे में और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो अगर आपके पास टीम है तो। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया वो है टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट्स। टूरिज्म मैनेजमेंट इन द सेंस जैसे टूरिज्म उस आपके वेबसाइट के थ्रू पता कर सके कि कौन कौन से जगह पर घूमना चाहिए, वैसे कौन कौन से ट्रैवलिंग है, कहाँ 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 घूमेंगे, तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को कैसे अपने वेबसाइट में आप ऐड करोगे, शॉप होते हैं, दुकान होती है, मतलब चीज़ें बहुत सारे रिसोर्सेज उनको ज़रूरत होती है, अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो उनको उनको चाहिए ना, तो जाने आने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो और आप एक प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो जहाँ पर सारा फैसिलिटीज हो। जैसे आपने मेक माई ट्रिप देखा होगा, तो मेक माई ट्रिप में क्या होता है, जब आप ऑर्डर कर जैसे टिकट ऑर्डर करते हो तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज देती हैं कि क्या आपको कैब भी चाहिए, क्या आपको ये चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो ये सारा चीज़ देती है ना। तो उसी तरीके से टूरिज्म के लिए आप बना सकते हो, आप कह सकते हो कि शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा पैकेज आप रेडी कर सकते हो और एवरीथिंग शुड बी थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं कि आपके दुकान भी लोगों के होंगे, आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे अपने प्रोजेक्ट में, यू हैव टू डिसाइड। नेक्स्ट जो आपके लिए वो है बस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। बस मैनेजमेंट मतलब उनके लोकेशन से लेकर के डेस्टिनेशन, कहाँ से रीच होगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ पे जाएगी, और उनके फीस, कहाँ से कहाँ तक का फीस, लाइव लोकेशन, इतना सारा चीज आप ऐड कर सकते हो। इनके दो तीन फेजेस हो सकते हैं, ड्राइवर का अलग हो सकता है, कंडक्टर का अलग हो सकता है, बस पार्टिकुलर बस का अलग हो सकता है, और यूजर या जो कस्टमर है उनके अलग हो सकते हैं, और सबको एक साथ सिंक करना पड़ेगा, सबके फेयर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि किलोमीटर के हिसाब से करना है, और यूजर टिकट भी बना सके और साथ ही साथ यूजर उसका पेमेंट भी कर सके ऑनलाइन। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रैवलिंग कंपनी हैं, बस एजेंसीज हैं, उनके पास ऑलरेडी उनका एप्लीकेशन है, बट वो क्या कैश नहीं लेते, वो टिकट तो बनाते हैं पर अब कैशलेस करने का टाइम आया ना, तो आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हो कि आप उसको कैसे कैशलेस करने जा रहे हो। और ये प्रोजेक्ट, ये आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके भी दोस्त हैं इनमें से कुछ हेल्प लें, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई ये बेस्ट है, आप इनको ग्रैब कर सकते हो, ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। लाइक करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप चीज़ें कर पा रहे हो, और उससे भी ज़्यादा चलो ना लाइक करने हो, ना सब्सक्राइब करने हो, ना अपने दोस्तों को भेजने हो, अगर आपको एक भी प्रोजेक्ट इसमें से पसंद आता है और उसका सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा पिंग, और हम उसको अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए वो है पेशेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये तो काफ़ी बेस्ट है जी। पेशेंट इन्फॉर्मेशन मतलब एक ऐसी वेबसाइट आप रेडी करो या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट रेडी करो जहाँ पर पेशेंट का सारा डिटेल्स हो, डॉक्टर को बार बार आना ना पड़े पेशेंट के सामने, और सब कुछ उनके फ़ोन में या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड पर सारा डिटेल्स रहे, डॉक्टर को पता चल जाए कि हमारा जो ये पेशेंट है, ये पर्टिकुलर उनको ये प्रॉब्लम है, इतने दिनों से एडमिटेड है, उनकी ये समस्याएं हैं, अभी ये इतनी बढ़ी, वो उतना बढ़ा, एक एक चीज़ रन टाइम पर सेव होता रहे उनके डेटाबेस में। आप क्या ऐसा कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करिए, अपने टीम मेंबर से बात करिए और डिस्कशन करिए, कमेंट में करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बार सोचिए, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का सारा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास रहेगा, नर्स के पास रहेगा, इवन क्लाउड पर रहेगा। इवन आप चाहें तो उनके ऑथेंटिकेशन में आप यूजर सेट कर सकते हो कि कौन से यूजर को कितनी एक्सेस रहेगी, कौन से यूजर पेशेंट के किस हद तक जा सकता है, क्या क्या वो चेक कर सकता है, आप एटलीस्ट ये सोच पाओगे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, अपने टीम मेंबर से आप डिस्कस करिए और कमेंट भी करिएगा अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो। फिलहाल बात करते हैं स्मार्ट हेल्थ
कंसल्टिंग सिस्टम। अच्छा ये क्या होता है जी? स्मार्ट हेल्थ कंसल्टिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ठीक है, नो डाउट, आप आराम से जी रहे हो, लेकिन जब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, दौड़ चक्कर लगाते हो डॉक्टर के। तो क्या हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो शरीर का BMI करा ले, शरीर का पूरा रिसोर्सेज ले ले कि आपके शरीर में ये चीजें इतनी है, इतनी इतनी बॉडी है, इतने वजन है आपके, इतने पानी या फैट जो कुछ भी है, जो भी उनके पैरामीटर्स हो सकते हैं वो ले, और उसका BMI करके आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन देते रहे कि आप में ये कमी हो गई है, आज आपका वेट इतना हो गया है, आज आपने ये खाया तो ये गलत बात है। हाँ ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, आपके मशीन लर्निंग से बनाओगे तो उनको इंफॉर्मेशन तो चाहिए इनपुट में, पर वो आउटपुट ऐसा देते रहे। क्या ऐसा आप कर सकते हो? एक बार ट्राई करिए। स्मार्ट हेल्थ कंसल्टिंग सिस्टम मतलब जो आपका फोन है वो पॉपअप। अच्छा अमेरिका और लंदन सब में ऐसे बड़े बड़े देशों में चलते हैं ये चीज, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ये उनको हमेशा इन्फॉर्म करेगा। और अगर साथ साथ में आप चैट बॉट बना सकते हो, चैट बॉट उसमें ऐड कर दोगे, अगर कोई छोटी मोटी चीजें होती है, सर दर्द हो रहा है तो वहां पे अगर वो करे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज देर इज हेड एक इन माई माइंड, तो वो सोशल जो आपका बॉट होगा चैट बॉट वो आंसर कर सके कि आप ये कर लो तुरंत ठीक हो जाओगे, या फिर ये आयुर्वेदिक तरीका है, मतलब आंसर मिल जाए उसको। अब वो आंसर गूगल से कर ले या वो आंसर आपके खुद के बनाए हुए कोड हो, तो ये हो सकता है। तो एक स्मार्ट हेल्थ कंसल्टिंग सिस्टम आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया वो है गेट पास मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। अच्छा गेट पास इन द सेंस, एक होता है ना कि आपके पास एक पास है, जैसे जब आप गेट में एंट्री करते हो, जाते हो आते हो, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा आपको बार बार सिग्नेचर करने होते हैं, आपका डिटेल्स डालने पड़ते हैं, आने के बाद एब्सेंट प्रेजेंट ये कितना करना होता है, उनको भी चेक करना होता है। आप क्या उसके लिए एक प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो? आप इसमें IoT का भी यूज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताऊं, मैं अपने कॉलेज के टाइम में ये करना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि गेट ही कॉलेज में ही नहीं थे तो कैसे बनाएंगे गेट का प्रोजेक्ट, राइट? तो आप कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो तो। आप इसमें IoT चाहे तो यूज कर सकते हो, चाहे तो मशीन लर्निंग यूज कर सकते हो, ये सब चीज यूज करने के बाद आप बना सकते हो, राइट? तो इसमें क्या होगा, इसे फिंगर सेट कर सकते हो, फिंगर डाला उनके सारे डिटेल्स सेव हो गए, ये इस टाइम में निकला, यहाँ निकला, वहां निकला, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। फिर जब आया फिंगर सेट आया, और जैसे अटेंडेंस होती है ना फैकल्टीज की, उस तरह से आप कर सकते हो। तो इसमें और सोचिएगा तो और ज्यादा एनहेंसमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन काफी पॉपुलर है, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। आप भी एक सर्च इंजन बना सकते हो, कैसे? मशीन लर्निंग की मदद से। तो मशीन लर्निंग का जब यूज करोगे ना, तो अच्छा इसके लिए ये नहीं कि आपको मशीन लर्निंग सीखने हैं, इसके लिए ये कि मशीन लर्निंग के ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, आप वहां से मशीन लर्निंग डेटा साइंस के जो भी पार्ट्स हैं कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो कि उसने कैसे किया, और आप अपने नॉलेज से कैसे उसको चेंज कर सकते हो, कैसे इन्हेंसमेंट कर सकते हो उसमें। लेकिन हाँ एट द एंड मैं आपको एक चीज तो बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट चाहे कितना भी अच्छा आप बना लो, PPT जितना अच्छा बनाओगे ना आपके मार्क्स तो उस पर डिपेंड करते हैं, उसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। प्रोजेक्ट तो ठीक है आप ग्रुप में कर रहे हो तो उसमें एक कोई ब्लेम नहीं हो सकता, लेकिन जब बात PPT की आती है ना तो उसमें एक कोई ब्लेम होता है कि यार PPT इसने बनाई, तो पूरा पूरा ग्रुप का मार्क्स खराब हो सकता है, तो इसलिए करें। तो सर्च इंजन में मशीन लर्निंग का ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना, इनपुट होता है हमने डाला और उसने सर्च किया, आप मशीन लर्निंग लगाओगे तो उसमें आप देखोगे कौन सा चीजें मैच करती है, इससे कितना परसेंट होता है, और इस तरह से यू कैन यूज। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया हुआ है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये चीज ग्लोबली किसी भी चीज के लिए हो सकता है, चाहे आपकी कंपनी के लिए हो सकता है, आपके कॉलेज के लिए हो सकता है, स्कूल्स के लिए हो सकता है। तो उसमें एक कंप्लेंट की पर्टिकुलर ID रहेगी, उसमें ये रहेगा कि आप अगर आपको कोई कंप्लेंट रेज करने हो ना तो आप उस वेबसाइट के या उस प्रोजेक्ट के थ्रू कंप्लेंट रेज कर दीजिए, उसका स्टेटस देख सकते हैं, वो किसको किसको ट्रांसफर हुआ, किसको किसको मेल गया, क्या वो रिजॉल्व हुआ या नहीं, उनके क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, कितने सारे कंप्लेंट हुए, किनको किनको कंप्लेंट हुए, किन्होंने एक्शन लिया या किन्होंने नहीं लिया, जो फाइनल ऑथेंटिकेटर है, जो प्रिंसिपल है, क्या वो रिस्पॉन्स लिए या नहीं लिए। तो एक पर्टिकुलर कंप्लेंट का एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो उसको सारे लोग मिलकर यूज कर सकते हैं। तो ये स्कूल के लिए हो सकता है, कॉलेज के लिए हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकती है, ये सबके लिए हो सकता है। साथ साथ मैं बता दूं, कभी भी आपको प्रेजेंटेशन बनाने हो तो प्लीज कैनवा से ही बनाइएगा, बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो, बात बात पर ये कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अभी आपको कुछ देर पहले एक बताया था ना कि आप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो, कोर्स
सेलिंग का, जैसे कि बायजूस का हो गया, उसी तरह से आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग मतलब जैसे आप गिटहब नाम सुने हो ना, गिटहब हो गया, आपने क्या हो गया, W3 Schools हो गए, गिग्स पर गिग्स हो गए, ऐसे काफ़ी सारे हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हो। अच्छा, आपको लगता है कि ये तो ऑलरेडी बने बनाए या काफ़ी आसान है? नहीं, उसमें भी आपको बहुत लॉजिक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्स का काफ़ी सारे को फैक्टर हो सकते हैं, काफ़ी सारे सब कोर्स हो सकते हैं, और उसको चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन करना, फिगर बाय फिगर एक्सप्लेन करना, डेटाबेस काफ़ी तगड़ा बनता है। मैंने बनाया था एक बार। तो आप भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जब यूज करोगे ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, डेटाबेस का मैनेजमेंट काफ़ी खत्म होने लगता है, और वहाँ पे आप क्लाउड क्लाउड का यूज करते हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आप ये भी यूज करें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन और ये टीचर को पसंद आ सकता है। और पता है क्या, अपने कॉलेज में अगर आप चाहते हो कि आपका कॉलेज प्रोजेक्ट यूज करे, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आज के समय में लेजी कौन नहीं होता, आप भी लेजी हो, हम भी लेजी हैं, सब कोई लेजी है, मोस्ट ऑफ द पीपल लेजी, चाहता है कि आराम से कोई काम हो। तो टीचर को बेनिफिट ये मिलेगा कि टीचर इसका यूज करके अपने सब्जेक्ट के कोर्स को ऑनलाइन मतलब डाल के और यूजर को पढ़वा सकता है, अब वो पढ़ेगा, कमेंट कर सकता है, और साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि उनका सारा चीज़ सर्वर पर रहेगा, राइट। तो ये तो हो गया 14th, बट लास्ट नॉट द लिस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कॉलेज में आपके प्रोजेक्ट को सबमिट करना, तो इसके लिए ये मेरा लास्ट है, कॉलेज इंक्वायरी चैटबॉट। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट कॉलेज यूज करे, कॉलेज आपका नाम याद रखे, तो कॉलेज की इंक्वायरी के लिए एक चैटबॉट बना दीजिए, उसके सारे डिटेल्स उनके वेबसाइट से कनेक्ट कर दीजिए। छोड़ा, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का यूज तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनके डेटा चेंज करने हैं बस आपको, और आप अपने हिसाब से वेबसाइट बना लीजिए। और मैंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए बताए ना आपको, वो आप तो या तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर iOS, या फिर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर वेबसाइट बना सकते हो, कोई डिपेंडेंसीज नहीं है कि एक ही चीज़ बनाने हैं, राइट। तो कॉलेज इंक्वायरी चैटबॉट जो आप बनाओगे, तो ये आप अपने कॉलेज के लिए बना सकते हो, या फिर अगर आप ग्लोबल करना चाहते हो, तो हर चीज़ के लिए एक आईडी होगा, हर चीज़ के लिए डेटाबेस आपको थोड़ा और तगड़ी बनानी पड़ेगी, और ये कोई भी यूज कर सकता है, अपने कॉलेज को रजिस्टर करके, अपने कॉलेज के डिटेल्स डाल के कोई भी बना सकता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो उसमें ग्लोबल हो सकता है, मतलब आप चीज़ें समझ रहे हो ना, डायनामिक हो सकता है, आप चाहे तो एक कॉलेज के लिए बनाओ, या चाहे तो आप मल्टीपल कॉलेज के लिए बना सकते हो, तो थोड़े थोड़े डिटेल्स डालने पड़ेंगे, बाकी उनके पास गूगल रहेगा, गूगल से आंसर कर सकता है, तो इसके लिए आपको पाइथन अगर सीख रहे हो, तो पाइथन की चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही था, साथ में एक और बार मैं बता दूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, आप प्रेजेंटेशन देते वक्त ये कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, आप यू टाइप करके ऐसा ऐसा कवर कर सकते हो, फिर जैसे ही मान लो नेक्स्ट करोगे, हम पहुंचेंगे थैंक्स पे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और काफ़ी रिसर्च किया था आपके लिए, और आपको लास्ट में एक और वीडियोस दिखेंगे जो काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छा उस पर व्यूज़ आए हैं, मोहब्बत मिली है लोगों का, कमेंट में लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन 15 में से जो बेस्ट है, वो आप डिस्कस करिए अपनी टीम से, कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। साथ साथ आपको लगता है और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनको नहीं है उनको मत शेयर करिएगा, जिनको जरूरत है उनको कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि और भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए, ये दो वीडियोस आपको दिख रहे हैं ना, ये दो वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इस दो वीडियो को भी ग्रैब कर सकते हो। साथ साथ अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप कमेंट में वो प्रोजेक्ट डाल दीजिएगा जो आप बनाने जा रहे हो, ताकि मैं भी आपकी मदद कर पाऊँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।